हेलो फ्रेंड्स, डोलिन किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ गाजर की गुड़ वाली खीर। अगर आप गाजर का हलवा खा खा के बोर हो गए हैं तो इस गाजर की खीर की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, लाल वाला मीठा वाला गाजर है ये, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, उसमें 2 चम्मच भर के हम घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। तो घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इलायची तोड़ के। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब घिसा हुआ गाजर इसमें डाल देंगे और इसको गलने तक हम पकाएंगे। तो बहुत ही जल्दी ये गाजर गल जाता है, तो लगातार चला लेंगे और ढक के इसको हम पकने देंगे। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारा गाजर गलता जाएगा, ये कम होता जाएगा, तो देख सकते हैं ये गाजर गल रहा है। तो इसको अच्छे से चला लेंगे और चलाते हुए फिर इसको अभी थोड़ा सा और पकने देंगे। पकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो जैसा आपका गाजर मीठा हो उस हिसाब से मीठा आप इसमें डाल सकते हैं। ये गाजर हमारा बहुत ज़्यादा मीठा था, तो उस हिसाब से मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ और गुड़ भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं सिर्फ मैंने इसमें अभी गुड़ डाला है और कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो गुड़ का जो पानी है उसको इसमें अभी पकने देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये 10 रुपये वाला पैकेट है, सारा इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से खीर का स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है, बहुत ही टेस्ट। तो इसको चला के मिला लेंगे और जो इसमें वाइट वाइट टुकड़े दिख रहे हैं, जब ये खीर बनने के बाद दांतों के नीचे पड़ता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और गाढ़ा कर लिया था, तो इस दूध को डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि दूध भी हमारा गर्म था। अब मैं इसमें नारियल का भूरा डाल दे रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो अब हमारी खीर बन के तैयार हो गई है, अब इसको हम उतार के सर्व कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।